ओके दिख रहा है? जब तभी क्वेश्चन कराते हो अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं है। ठीक है जी, चैट बॉक्स में आंसर कीजिए, मुझे देखना बंद करो, मुझे पता है मैं सुंदर हूँ। चलो क्या है, क्वेश्चन मैम दिख नहीं नहीं रही है, मैम दिख रही है, मैम दिख रही है, मैम दिख दिख रही है, मैम रही दिख रहा दिख है, रही दिख है, दिख रही है, इतनी जोर रहा से है हल्ला मारेगा ना, जब पीछे से भूत आ रहा हूँ। 2 मिनट के लिए इंसान का दिल बैठ जाएगी। क्या बात होगी है, मैम 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 ऐसे कोई नहीं बोले ना। तुम यार अलग ही डराते हो मुझे, जैसे कोई पीछे से आ रहा है अटैक करने के लिए, मर्डर करने के लिए आ रहा है, और तुम मैम मैम करते रह जाओगे। बहुत हंसी आ रही है ना तुम सबको, तुम सबको आज रात को देखना, बेड के नीचे से भूत निकलेगा, हाथ निकलेगा तुम्हारी टांग पकड़ने के लिए, तो रो मैम ना भूत तुम। कोई होती है, रोइएगा बात नहीं, आज बेड के नीचे देख लियो, हिम्मत है तो देख लियो। नहीं, यो यो ओके मैम, यो यो हम मैम, काली 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 खेलेंगे 12 बजे, क्या चलेंगे बाला बजे? चाली 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 बेटा ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन आंसर आधे बच्चों का सही है। ड्रग कॉल्ड हीरोइन इन सिंथेसाइज्ड बाय, तो ये कौन से प्लांट से मिलता है? पापा अबे पापा पोप का द सेलर मैन याद करने के लिए बोला था नलायक को, पेपर सोमनीफेरम से मिलता है। अरे रे रे, तुम तो बर्बाद होंगे और मेरे को पिटवाओगे। और जो पेपम सोमनीफेरम है उसके किससे, लीफ से, फीमेल इनफ्लोरेसेंस से, किससे मिलता है? फीमेल इन फ्लोर, फीमेल इनफ्लोरेसेंस, फीमेल वेरी गुड। थप्पड़ मारो सारी की सारी अपने आप को। पॉड उसके पोर से मिलता है, से मिलता है, पॉड मिलती है से मिलता है, समझ आई? एक बार गलत बोल दो सारे ये है ना, देखा था मैम। चुड़ैल घूम रही है बाहर, हाँ मैंने भी देखा था, वो अलग बात है शीशा देखा था हमने। सो द ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम पेमिवर सोमनीफेरस, उसके पॉट से निकलता है। एंड हीरोइन कैसे बनता है, सबसे पहले हमें ओपियम मिलता है, ओपियम के साथ क्या करूं कि मॉर्फिन बन जाए? रिफाइन करूं, और मॉर्फिन के साथ क्या करूं मैं कि उससे हीरोइन बन जाए? इंस्टैंटेनियस 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 यस, आंसर वो करेगा जो हाथ उठाएगा, और कोई नहीं बोलेगा, बच्चों को समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो एसिटाइलेशन ठीक करोगे तो मॉर्फिन बनेगा, राइट? और सॉरी, एसिटाइलेशन करोगे तो हीरोइन बनेगा। और हीरोइन का दूसरा नाम, रेज योर हैंड, हीरोइन का दूसरा नाम मनीषा। है स्पार्क, वाह, आंचल, मैम, स्मैक। ओके जी, वेरी गुड, शाबाश, ट्राई दिस वन। हाथ नीचे जरूर, हाँ जी। विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक, इसके लिए जो हम यूज करते हैं, दैट इज अ पॉड, पर पॉड आंसर में नहीं है, तो पॉड से निकलता क्या है? मिल्क, उसी मिल्क को हम बुलाते हैं लेटेक्स, उसी मिल्क को हम बुलाते हैं ओपियम, ओपियम। आंसर वुड बी ओपियम लेटेक्स, बी, लीव वगैरह तो था ही नहीं ना पहले वाले केस में, है ना? क्यों आंसर वुड बी, मैम, आंसर इज बी, ए नहीं है। ठीक है बेटा, ए क्यों नहीं है? क्यों ट्राई दिस वन, एनसीईआरटी पढ़ के आए हो तो इसका आंसर आता होगा, नहीं तो नहीं आता होगा। देखते हैं कौन बच्चा घर जाके पढ़ने का कष्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, दिख रहा है बेटा, यो यो मैम, यो यो आंखें मैम, ऐसे बाहर निकाल, पानी में डाल, ग्लास में ऐसे घोल, और फिर दोबारा लगा ले, दिख जाएगा। ठीक है, नहीं तो काम कर, मैम झाड़ू स्क्रीन ले। दिखा रही थी, दिखाई दे रहा था मैम, अच्छा नहीं बेटा, काम का झाड़ू लेके छत पे चढ़ जा, स्क्रीन दिखाई बेटा झाड़ू लेके छत पे चढ़ दे जाओ, सारे के सारे झाड़ू लेके छत पे चढ़ जाओ, एंटीना समझ के उसे सिग्नल कैच करो। रही, मैम ये कपड़ा है है आपने, तुमने धतूरा नहीं करा? नो मैम, ओ ओ मैम, अच्छा, ठीक है ठीक है, लास्ट बैच यहाँ तक नहीं पहुंचा था। अरे सॉरी हर्ष, सॉरी, आई अपोलोजाइज, यू कैन गिव इट अ ट्राई। ये तो मंडे को ही होगा। यही कर देता हूँ, सबने वही किया है क्योंकि हाँ, विच इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट हुज वन फ्लावरिंग ब्रांच इज शोन हियर। देखो एनसीईआरटी का पिक्चर है, तो ये आपको बताता है कि देखो नीट वाले छोड़ते नहीं है। आप ऐसे सोचो कि अरे फूल थोड़ी भेजेंगे, भेज देंगे वो,
लेकिन फोन नंबर चुराने के लिए भेज देंगे। तो हेलुसिजन का ये एक एग्जाम्पल था। हेलुसिजन वो जो चीजों को एक से ज्यादा दिखाने लग जाते हैं। तो लास्ट जो टॉपिक था ना हर्ष, वो इसका यही है। मंडे को यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 5 मिनट्स का टॉपिक है, तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो। ट्राई दिस वन। B04 में तो करा दिए थे ना मैंने हेलुसिजन, हेलुसिनोजन। B06 का दिक्कत है, कोई बात नहीं। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेलुसिनोजेनिक ड्रग, ठीक है? तो हेलुसिनोजेनिक ड्रग होते हैं वो जो एक को दो दिखाने लग जाए। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग था, जो बहुत ही पोटेंट ड्रग था और हमको फंगस से मिलता था, तो फंगस से एक ही ड्रग था जो हमें मिलता था, दैट वाज LSD, लाइसर्जिक एसिड डाई। हाँ, राइट। सो आंसर वुड बी सी। ये सीधा सीधा आंसर है, इसमें कुछ नया नहीं आया था। हाँ, अब ये है जो एक्स्ट्रा पढ़ के आए होंगे। अगर आपने ड्रग का बात किया है कल, तो आप में से कुछ बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ के आए होंगे, तो एक्स्ट्रा पढ़ के आए वो इसका आंसर बता पाएंगे। वैसे 11 से ही थोड़ा रिलेट भी हो जाता है, और अगर आप अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखते हो तो भी रिलेट हो जाएगा। अरे बेटा, सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर के सेल मरने लग जाते हैं, लीवर खराब होने लग जाता है, दारू पीने से लीवर खराब होता है। अमिताभ बच्चन ब्लैक एंड व्हाइट के टाइम से बोल रहे हैं यार, तुमको ये नहीं पता? अल्कोहल। हाँ, दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है। बी, दैट इज एब्सेंस ऑफ सिनेमा। देखो बच्चे कितने पीछे रह गए हमारे। चलो ट्राई दिस वन। गुड। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट वाले ढूंढने अपने को, है ना? बार्बिट्यूरेट व्हाट गिवन टू द क्रिमिनल्स मेक देम टेल द ट्रुथ। अगर ऐसा हो जाता तो मजा नहीं आ जाता, ऐसा तो नहीं। मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू पर्सन हु हैव अंडरगॉन सर्जरी एज अ पेन किलर। तो ये बात सही बोली है, मॉर्फिन दिया जाता है पेन किलर की तरह, राइट? अभी भी ये यूज होता है। च्युइंग टोबैको लोअर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, ऐसा कुछ नहीं है। टोबैको को खाने से मुंह का कैंसर होता है। कोकेन इज गिवन टू पेशेंट आफ्टर सर्जरी एट इट स्टिमुलेट्स रिकवरी। अरे नहीं, कोकेन दे दोगे तो सर्जरी के बाद घूमेगा वो, स्टिचेस होंगे ना, स्टिचेस पे से डांस करता मिलेगा, ऐसा मत करना दिक्कत हो जाएगी। आंसर वुड बी बी। भाई साहब सोचो कैसे ऑप्शन देते हैं ये। अरे अरे, ये सबको आता होगा, बताओ। तन्वी समझ गया, हम तुझे हंसी आ रही है बेटा, 1000 बार बताने की जरूरत नहीं थी। चल बता फटाफट, ही इसका आंसर बताओ। टैथ बॉक्स में बताए, टैथ बॉक्स में आराम से पढ़े। ये डेंजरस क्वेश्चन है। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स पॉजिटिव एजेंट HIV। HIV के बारे में सत्य वचन आपको ढूंढने हैं, ठीक है जी? तो देख लेते हैं कौन से है? पहला, HIV is enveloped virus, envelope होता है उसमें, सही बात है, containing one molecule of single stranded RNA। उसके बाद एक molecule होता है single stranded RNA का, बेटा एक तो नहीं था ना, दो molecule of single RNA करे थे ना, तो ये गलत कैसे हो गया? इसका मतलब आपने revise नहीं किया, ये सबसे basic चीज बताई थी मैंने, है ना? तो ये revision की कमी है, ये तुमने किया नहीं। Second, HIV is enveloped virus, सही बात है, that contain two identical molecule। देखो identical होते हैं पर complementary नहीं होते, यही लाइन हमने याद करी थी। So, दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के, सही बात है, एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के भी टू मॉलिक्यूल होते हैं, सही है, दिस इज ट्रू। पर हमें सारा पढ़ना होता है, कभी कभार इससे बेहतर स्टेटमेंट मिल जाती है। HIV इज अनएनवेलप्ड रेट्रोवायरस, अनएनवेलप्ड नहीं होता, एनवेलप होता है उसके ऊपर,
उसी के ऊपर तो उसके लगे हो नहीं जी, ग्लाइकोप्रोटीन 120। एचआईवी डज नॉट एस्केप बट अटैक द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली दो करेक्ट आंसर है, बी एंड डी। देखो एचआईवी का वायरस ना एस्केप नहीं करता इम्यूनिटी को किसी तरीके से अपने आप को मॉडिफाई करके, वो सिंपली इम्यून सेल्स को अटैक कर देता है, वो भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं जो दोनों करेक्ट हो, पर अगर आएंगे तो बी वाला ज्यादा बेहतर आंसर था क्योंकि उसने बहुत से ऐसे एक्सप्लेन किया था, राइट? ए नहीं था, ए किया था तो नहीं आए। ओ इसका क्या आंसर होगा? बोलो बोलो बोलो। यस एचआईवी दैट कॉजेज इज फर्स्ट ट्रस्ट डिस्ट्रॉइंग जी हेल्पर सेल। इन्होंने तो मैक्रोफेजेस का नाम ही नहीं दिया, हेल्पर सेल ही तो थे हमारे मदद वाले। मैम तो आंसर इज ए। मैम एक और एड्स पे क्वेश्चन, एड्स पे क्वेश्चन आता ही है, एड्स पे क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड आ जाएगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे आ जाएगा, और 11th में जो वायरस वाला पार्ट है उससे भी आ जाता है। तो एड्स से क्वेश्चन बहुत जगह से बन जाते हैं कंबाइन करके। बताओ बताओ, बोलो बोलो बोलो, बोलते कि नहीं? शीतल इंटरनेट का प्रॉब्लम है, मुझे चैट क्यों दिख रही? शीतल आवाज आ रही है? मुझे नहीं लगता है, बच्ची को आवाज आ रही है, गई बेचारी फिर से, दुख हुआ, पढ़ने वाला बच्चा। एट विच स्टेज ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन डज वन यूजली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स? अब देखो ऐसा तो हमने कुछ स्पेसिफिकली पढ़ा नहीं, राइट? तो आपने ये चीज पढ़ा होगा, जिसने भी एक्स्ट्रा पढ़ा है ना एक बार भी, जब उसने क्लास लगा ली, एनसीईआरटी पढ़ी, तो जिसने उठा के मटेरियल पढ़ा होगा उसको इस चीज की नॉलेज होगी, जिसने इसके बारे में थोड़ा सोचा होगा, राइट? तो उससे पूछ लेते हैं कि एट विच स्टेज ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन, कब आपको यूजली, देखो यूजली है मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा हो, पर जरूरी नहीं है। तो जर्नली आपको ऐसा दिख जाएगा कि अब सिम्टम्स दिखने लगे विदिन 15 डेज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अब 15 दिन में उसमें सिम्टम दिखने लग जाएगी, बहुत ज्यादा बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है यार। वो अंदर जाएगा वायरस, रेप्लिकेट करेगा बॉडी में, बहुत फैलेगा, तब जाके तुमको सिम्टम दिखेंगे। तो 15 दिन के अंदर तो पॉसिबल नहीं है। व्हेन द इन्फेक्टेड रेट्रोवायरस एंटर द होस्ट सेल, ऐसे ही होस्ट सेल में एंटर करेगा, सिम्टम थोड़े दिख जाएंगे, ये तो हो नहीं सकता। व्हेन एचआईवी डैमेजेस लार्ज नंबर ऑफ टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स, अब ये अच्छी स्टेटमेंट है कि जब लास्ट नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल डिस्ट्रॉय होंगे, बॉडी की इम्यूनिटी गिरेगी, तभी तो शक होगा ना कि शरीर में कुछ गड़बड़ है। व्हेन द वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बिकॉज़ वो सेल के अंदर वायरस का आरएनए डीएनए में चेंज हो गया, तो ये तो अभी तक साइकिल इसने स्टार्ट करी नहीं ना, इसने नुकसान पहुंचाना थोड़ी अभी स्टार्ट किया, तो सिम्टम्स कहाँ से आ जाएंगे? सो द करेक्ट आंसर वुड बी सी। अगर किसी को नहीं पता था, हाँ सी, अगर किसी को नहीं पता था 15 दिन में डाउट था, तो तुम कुछ सोचो, जिसको एड्स होता है 15 दिन में कहाँ पता चलता है? लोगों को सालों भर नहीं पता चलता कि एड्स है, राइट? तो 15 डेज तो बहुत क्विक है। नाउ ट्राई दिस वन, 78, बस दो तीन क्वेश्चन और। कैंसर तो आपने पढ़ा है, चार। आई थिंक इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, पिछली क्लास में भी थी क्या? क्या हो बेटा, एरिया में प्रॉब्लम चल रही है? क्या प्रॉब्लम चल रही है? काफी सारे क्वेश्चन शो ही नहीं हो रहा। किसी को नहीं हो रहा है बेटा, ये इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों के एरिया में। देखो हाँ, देखो अगर तो सबको नहीं हो रहा तो मेरी मेरी यहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम है, अगर कुछ को नहीं हो रहा तो तुम्हारे वहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम है। मैं कह रही हूँ ना बेटा, मैं कह रही हूँ झाड़ू लेके चले जाओ छत पे। सिग्नल 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 बारिश में कहाँ जाना है, बड़े छाता लेके चला जाओ दूसरे हाथ में, सिग्नल सिग्नल सिग्नल। कहीं सिग्नल जा रहा हो पकड़ के, ए इधर आ, क्वेश्चन दिखा। ज्यादा हंसो मत, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। दिख नहीं रहा, मैंने कितनी बार बोला बेटा, जब भी तुझे ना देखे क्या करना है, आंख निकालनी है, पानी डालनी है, घोलना है, डाल देना है। कितनी बार समझाऊं, नहाते हैं नहीं, कल ना साबुन आंखों में डाल के ना। कहाँ दिख गया मेरे तो क्वेश्चन, हटा दिया स्क्रीन से मैम, तब दिख गया था जब आप दिखेगी। अच्छा
ये तो वही बात होगी, पेपर देने गई थी मैम, आंसर तभी आ गया था जैसे ही क्वेश्चन पेपर का टाइम खत्म हो गया। चलिए करो फटाफट, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल्स इन रिलेशन टू म्यूटेशन। कौन सी स्टेटमेंट सत्य नहीं है, फॉल्स ढूंढना है आपको कैंसर के रिलेटेड, ठीक है। सो फॉल्स आपको ढूंढना है इन रिलेशन टू म्यूटेशंस इन कैंसर सेल। तो कैंसर सेल में म्यूटेशन होती है तो दो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो होती है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन के साथ, क्या होता है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी कैंसर सेल में कैसी होती है, होती है या नहीं होती है? टेलोमेरेज की जो एक्टिविटी हुई है वो रुक जाए या चलती रहती है? मैम मेंटेन रहती है, मेंटेन रहती है। हाँ मेंटेन रहती है ना, तो टेलोमेरेज की एक्टिविटी होती नहीं है, यही होगा ना? यो यो मैम, होगा कि नहीं होगा? टीलोमेरेज की एक्टिविटी मेंटेन रहती है का मतलब होता है कि जो टीलोमेर होता है, टीलोमेरेज जो सीक्वेंस होती है, कौन सी सीक्वेंस होती है? टीलोमेर सीक्वेंस कौन सी होती है बेटा? आई थिंक इसके बारे में सुनने नहीं पड़ा। टीलोमेरेज एक्टिविटी नहीं पता? नो मैम। ये करो फिर करा देती हूँ, टॉपिक पढ़ा देती हूँ, कोई बात नहीं, जल्दी करो ये वाला ट्राई करो क्वेश्चन, वो टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा मुझे, ये कर लो, करो करो 79, रुकना नहीं है, जल्दी करो, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं करती, क्वेश्चन करते हैं मैं बोर हो जाती हूँ, मेरा करता नाचने का मन, तो बच्चे मुझे देखते रहते हैं क्योंकि मैं हूँ बहुत ज्यादा सुंदर, बताओ। चलो गुड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल्स। अब कैंसरस सेल्स की ये प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, वेयर इज रिमेनिंग आर थ्री आर, तो बाकी कैंसर सेल की प्रॉपर्टी ये वाली नहीं है, तो मतलब ये नोट्स अपडेट करके जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो कैंसर सेल कम्पीट विद नॉर्मल सेल फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स, जो नॉर्मल सेल्स है उनसे वो लड़ाई करती है कि मेरे को न्यूट्रिएंट चाहिए तो को नहीं लेने दूंगा, राइट, ये बात तो सही है, कैंसर सेल की प्रॉपर्टी है ये, है ना? जहाँ पे तुमने कैंसर सेल की प्रॉपर्टी लिखा है एक कॉलम डाल लो, कैंसर सेल प्रॉपर्टीज, इन पे क्वेश्चन बनता है क्योंकि नीट दे चुका है, अपनी लाइन से क्वेश्चन उठा लेता, पहली प्रॉपर्टी ये है, लिख लेना। नाउ दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन द एरिया ऑफ फॉर्मेशन, ये बात भी सही है, वो एक ही एरिया में रहना नहीं चाहते, वो फैलते रहते उसी एरिया में, अगर हम उसको ट्रीट ना करें वो उसी एरिया में फैलते चले जाएंगे, राइट, तो ये भी उनकी प्रॉपर्टी है कि वो फैलने में बिलीव करते हैं अपने एरिया में, नहीं, दे डिवाइड इन एन अनकंट्रोल मैनर, दे डिवाइड इन अनकंट्रोल मैनर, बिल्कुल पागलों की तरह फैलना बैठ जाते हैं, पागलों की तरह फैलना बेटा, माइक बंद कर, थैंक यू, माइक बंद कर, थैंक यू, माइक बंद कर, माइक बंद कर लिया यार, माइक बंद कर लिया यार, मैं मम्मी आ रही हूँ, मैम हो गया, अब बंद हो गया, बेटा माइक बंद कर दे कर, ऐसे ना सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, क्या फायदा, क्यों परेशान करते हैं पढ़ाते टाइम, हैं ऐसे मैं एक चीज इम्पोर्टेंट बताने भूल जाऊंगी तुम्हारे नुकसान है, मैं थोड़ी देना पेपर, दे डिवाइड इन अनकंट्रोल मैनर, बिल्कुल बाबलों की तरह डिवाइड होते हैं वो, एंड डिवाइड बाय माइटोसिस, जिसको नहीं है कंफ्यूजन थोड़ा सा वो लिख लीजिए माइटोसिस, दे शो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, नो वो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन ही तो नहीं शो करते, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन क्या है, मैं यहाँ बैठी हूँ, ये इतना सा, ठीक है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरी एक फ्रेंड यहाँ बैठ गई, एक फ्रेंड यहाँ बैठ गई, हम दोनों का मोड़ एक दूसरे से टकरा रहा है बाजू, है ना, हमको पता चल गया पर इतने ही बैठ सकते, अब हम ऐसे होके बैठ गए, अब हम आगे मूव नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, इसे कहते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, एक दूसरे को छुआ, सेल ने सेल को छुआ, उसको पता चल गया आगे माइटोसिस नहीं करनी, कैंसर सेल में क्या होता है ऐसा कुछ नहीं है, कैंसर सेल इज लाइक हम तीन दोस्त बैठे हैं और तीन दोस्त आगे और तीन दोस्त आगे, सब बावलों की तरह आते ही चले जा रहे हैं, तो जो माइटोसिस का स्टेप स्टॉप होना होता है वो रुकता नहीं है, सेल एक दूसरे को छूते हैं लेकिन रुकते नहीं है, वो डिवाइड होते चले जाते हैं, तो यही तो कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टी थी, तो डी इज द फॉल्स आंसर, बाकी आप तीनों ऑप्शन अब लिख सकते हो अपनी नोट्स को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू टीलोमेरेज एक्टिविटी, टीलोमेरेज एक्टिविटी क्या होता है, जैसे आपका डीएनए है ना, आप उसको क्रोमोसोम के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है, देखो ये क्या है अपना डीएनए, डीएनए प्रोटीन के साथ मिलके क्या बना देगा क्रोमोसोम, सही है,
ये प्रोटीन जो होता है क्या नाम है इस प्रोटीन का, इन गोलों का? स्टोन स्टोन क्या पूछा? कौन से अमीनो एसिड में रिच होते हैं? ये हाथ खड़ा करके बताना है, गाने नहीं चलाने। बहुत बढ़िया, हाथ खड़े ये मुझे दिख नहीं रहे। हाँ हर्ष बोल। लाइसिन एंड आर्जिनिन। हाँ राइट। सो देखो जो डीएनए होता है ना उसका जो लास्ट पार्ट होता है ना, ये जो सीक्वेंस होती है, इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं टेलोमेयर। लास्ट सीक्वेंस होती है जो हर डीएनए में, हमें क्रोमोसोम के फॉर्म में तो मैं दिखा सकती हूँ ना इजीली, तो हर डीएनए में जैसे क्रोमोसोम बना तो जो लास्ट की सीक्वेंस होती है उसे टेलोमेयर कहते हैं। टेलोमेयर होती क्या है? एक सीक्वेंस होती है जो किसी चीज के लिए कोड नहीं करती, सीक्वेंस दैट कोड फॉर नथिंग, किसी चीज के लिए कोड नहीं करेगी वो। बट ये जो सीक्वेंस होती है किसमें जनरली रिच होती है, दे आर रिच इन मोस्टली जीजीजी, और भी होता है ए जी जी कॉम्बिनेशन होता है, पर जीजीजी में रिच होती है ये, ठीक है? ग्वानिन रिच होती है ये। मैं लिख देती हूँ ग्वानिन, जीजीजी लिखूंगी तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ग्वानिन रिच होती है सीक्वेंस। अब क्या होता है जब भी ये फिनोमेना है, ये बेटा हाथ नीचे कर ले, सर थोड़ी मिली है। अब ये फिनोमेना है नेचर का कि जब भी माइटोसिस होती है, आफ्टर माइटोसिस हमेशा ये जो सीक्वेंस होती है ना ये थोड़ी सी कट जाती है, ठीक है? हमें, हम ऐसे पढ़ते नहीं है ना माइटोसिस में, लेकिन आपको पता नहीं है कि जो आपका क्रोमोसोम होता है ना, देखो ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है पर ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। मतलब कि अगर ये सीक्वेंस इतनी बड़ी थी ना तो माइटोसिस के बाद ये छोटी होगी, अगर इस सेल में एक और बार माइटोसिस होगी ये और छोटी हो जाएगी। तो हर सेल की, हमारे बॉडी के अंदर, हर किसी के बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि जो उनके टेलोमेयर है ना वो सीक्वेंस धीरे 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 कम होती चली जाती है। तो इस सीक्वेंस को कम करने वाला जो एंजाइम है दैट इज टेलोमेरेज, ठीक है? इसको कम करता जाएगा। बोलो मनीषा। मियोसिस में भी ऐसा ही होता है क्या बेटा? मैम मियोसिस में भी ये कम होती है? हाँ एक बार को तो कम होती है मियोसिस में, पर मियोसिस तो एक ही बार जर्म सेल्स में होती है ना, तो उनमें तो आगे जाके और कम होगी नहीं, वो तो एक ही बार होगी मियोसिस, राइट? तो ये फिनोमेना माइटोसिस के साथ हम पढ़ते हैं, पर यस होगा वो भी कम, राइट? तो डीएनए की सीक्वेंस धीरे धीरे कम होती है, इसलिए हम कहते हैं कि विद एज हमारे सेल डीजेनरेट होने लगते हैं, क्योंकि एक टाइम आएगा जब टेलोमेयर इतने कम हो जाते हैं कि इसके बाद और सेल डिवाइड ही नहीं कर पाता, सेल डिवाइड ही नहीं कर पाता, इस वजह से सेल की अल्टीमेट डेथ होती है। तो एजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि टेलोमेरेज सीक्वेंस धीरे धीरे कम होती चली जाती है, ठीक है? अब कैंसर सेल में क्या होता है, वो कैसे मरते नहीं है? कैंसर सेल्स वो सेल्स है जो मरते नहीं है, कभी कभी मरते नहीं, वो माइटोसिस करते चले जाते हैं। वो क्यों नहीं मरते? क्योंकि उनके केस में ये जो टीलोमेयर है ना सीक्वेंस, ये टूटती ही नहीं है, टीलोमेयर्स की सीक्वेंस वैसे की वैसी रहती है, तो नॉर्मल है। नॉर्मल सेल में माइटोसिस होने के बाद जो टीलोमेयर सीक्वेंस है, टीलोमेयर सीक्वेंस का नाम है टीलोमेरेज, क्या लिख रही हूँ, टीलोमेरेज एंजाइम का नाम है, ठीक है? ये एंजाइम है। तो कैंसर सेल में टीलोमेयर की सीक्वेंस सेम रहती है, यहाँ पे डिक्रीज होनी थी, और कैंसर वाले केस में ये सेम रहती है, सेम टीलोमेयर लेंथ, ठीक है? इसलिए उनकी एज ही नहीं होती कभी। ओके समझ आई ये बात? तो कैंसर सेल के पास ये भी फिनोमेना, दो फिनोमेना होता है कैंसर सेल्स के पास, राइट? अब इधर आ जाते हैं। बट ये जो टीलोमेरेज है वो कम क्यों होती है? क्या चीज? टीलोमेरेज जो एंजाइम है ना उसका फंक्शन है कि वो टीलोमेयर की सीक्वेंस को कम चला जाता है। अगर बेटा हमें यही पता चल गया ना वो कम कैसे होती है, तो हम उसको रोक के एजिंग नहीं रोक लेंगे, हमें पता नहीं है क्यों होती है। वही तो कह रही हूँ, जो एंजाइम है वो उसकी सीक्वेंस को धीरे धीरे काटता है कैंची की तरह, वो क्यों काटता है ये तो हमें भी नहीं पता, ये तो प्रॉब्लम है। मेमोरी का फंक्शन क्या है फिर? टीलोमेयर का कोई फंक्शन नहीं है, इसका फंक्शन मतलब टीलोमेयर का जो भी फंक्शन है हमें अभी तक नहीं पता, डिस्कवर नहीं हुआ अभी तक। हम ये मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं डीएनए के रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में कुछ ना कुछ रोल तो प्ले करता होगा, पर इसका क्लियर नहीं है बेटा। अगर क्लियर हो जाएगा तो सोचो, अगर साइंटिस्ट को पता चल गया इसको क्यों काट रहे हैं, हम इसको मॉडिफाई नहीं कर देंगे? अच्छा तुम्हारे सेल्स की एज ही नहीं होगी, सोचो कोई कभी मरेगा ही नहीं, है ना? मेरे को लगता है जान मुझके शिव भगवान कह रहे हैं नहीं पता करने दूंगा, ठीक है? कह तुम पापियों ऊपर आओ, राइट? तो कैंसर सेल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है ना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन हमारा बावला था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल इन रिलेशन टू म्यूटेशन। म्यूटेशन इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल, म्यूटेशन से सेल कंट्रोल इनएक्टिवेट हो जाता है, ऐसा होता है? क्या मतलब है इस बात का?
सेल डिवीजन पे कंट्रोल नहीं रहता ऐसा कुछ. हाँ, म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टिलोमेरेज, टिलोमेरेज की प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा. यो यो मैम, म्यूटेशन इन प्रोटो ऑन्कोजिन एक्सेलरेट द सेल साइकिल, ऐसा होगा. म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टिलोमेरेज इनहिबिटर. लास्ट स्टेटमेंट फिर से समझा देना. पहले मेरे को तो सोचने दे, एक मिनट. म्यूटेशन वही टेलोमेरेज के इनहिबिटर रहते हो. टेलोमेरेज तो वेला हो गया, वेला हो गया तो वो तो अपना काम करेगा. टेलोमेरेज काम करेगा तो काम करेगा तो वो तो छोटा करने लगेगा. ये गलत हुआ ना. हर्ष बेटा ये हुआ ना, म्यूटेशन हुई तो टेलोमेरेज के जो इनहिबिटर थे वो हटा दिए तूने, टेलोमेरेज को रोकने वाले. अगर टेलोमेरेज के इनहिबिटर हटा दिए तो टेलोमेरेज तो वेला हो गया. अगर टेलोमेरेज वेला हो गया तो वो टेलोमेर को तोड़ने लग जाएगा ना, काटने लग जाएगा. वो तो करना नहीं था कैंसर सेल में. समझ आया? डी डी डी. चलो जी, डन विद दिस वन. आंसर इसके पीछे दे रखे हैं वैसे. डू दिस वन. ये मैंने तुमको बताया था, देखो 2010 का क्वेश्चन आया. ओ चलो चलो, इसका आंसर गलत किया तो पिटोगी. यो यो मैम. यस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज सेफेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर? दैट इज एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, राइट? यो यो मैम. चलो यो मैम, आओ इसी में पर रिवीजन स्टार्ट करते हैं. रिवीजन क्या स्क्रीन दिख रही है? बहुत बढ़िया. आइए, मैं ज्यादा ट्रांजिशन करूंगी तो तुमको दिखेगा या नहीं, ट्राई करके देखते हैं. ठीक है, ना दिखे तो मुझे बता देना. देखो भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हम 1000 करोड़ बार उसको पढ़ चुके हैं, है ना. अब तो ऐसा लगता है रगों में बह गया है ना, फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाती है ना. चलो तो मैं एक बार इसके डायग्राम को एक बार रिकॉल करा देती हूँ आपको. ओ भाई देवता जी, हो जाओ ठीक. देखो, डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हर टेस्ट में बोलती हूँ, वो तुम पढ़ के नहीं जाते फिर भी सही से, लेकिन डायग्राम जरूर पढ़ के जाना. ऐसा हो ही नहीं सकता कि टेस्ट आएगा उसमें डायग्राम पे क्वेश्चन नहीं होगा. होगा ही होगा, कंपल्सरी है ये. ठीक है, तो देखो हर डायग्राम लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ लेबलिंग हो रखी होती है, कुछ थ्योरी में लिखी होती है, तो आपको पता होना चाहिए डायग्राम की लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले डायग्राम यही वाला है. दिस इज अ डायग्राम ऑफ एंथर. एंथर का सेक्शन दिखाते हैं और आपको लेयर्स बताते हैं एंथर की कि कैसी होती है. अब बाहर से अंदर की तरफ जाओ, सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, फिर आती है मिडल लेयर, फिर आती है टेपटम. टेपटम वो है जो नरिशमेंट देती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को. सही बात है, है ना. मल्टी न्यूक्लियोटेड. अच्छा बेटा सारे चुप कर लो, हाथ खड़े करने, है ना. ये मल्टी न्यूक्लियोटेड होती है, यूनि न्यूक्लियोटेड. रेज योर हैंड, हैंड रेज. कोई बिना हाथ के बोलेगा नहीं, ठीक है, अदरवाइज किसी को सुनेगा नहीं. हाँ जी प्रीति. यो यो मैम, मल्टी न्यूक्लियेटेड. एनसीईआरटी बाय न्यूक्लियेट लिख देती है, मल्टी न्यूक्लियेट इज एक्चुअली द वर्ड. तो ये एक ही वर्ड आएगा, ठीक है जी. ये इसकी खासियत होती है. अब हम नीचे आते हैं, ये वाला डायग्राम देख लेते हैं. देखो ये वाला पोलन ग्रेन की आपको डेवलपमेंट दिखा रहा है. आप देख सकते हो कि अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में होगी माइटोसिस, है ना, आगे जाएगा प्रोसेस. तो यहाँ पर वैक्यूल फॉर्मेशन है, यहाँ पे वैक्यूल दिखाई दे. ठीक है, नीचे जाते हैं हम, तो हम देखते हैं स्पिंडल फॉर्मेशन होती है ना जब क्रोमोसोम अलग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे असिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम भूल जाएंगे. फिर उसके बाद दो सेल बनेंगे, ये वेजिटेटिव सेल जो बेसिकली नरिशमेंट का काम करेगा, और ये क्या करेगा, पोलन ग्रेन. जब पोलन ट्यूब बनती है मेल के अंदर ना, देखो फीमेल की बॉडी पे वो जाता है, फिर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है. तो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन स्टार्ट वेजिटेटिव सेल ही कराता है, और जेनरेटिव सेल क्या करेगा, पोलन ट्यूब के अंदर जाके दोबारा से अपने अंदर डिविजन कर लेगा, है ना. तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए. अच्छा, उसके बाद स्पोरोपोलेनिन, बड़ी स्पोरोपोलेनिन आउटर मोस्ट लेयर. मैंने पूछा, मैंने मोस्ट लेयर, हां पूछा मैंने तुमसे. रेज योर हैंड.
हाँ जी हाँ बेटा कृति बताओ। स्पोरोफोलिन एक एंजाइम होता है जो एक्साइन में पाया जाता है, आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन की। एंजाइम होता है ये दीक्षा बेटा, केमिकल होता है। ये केमिकल होता है बेटा, एंजाइम नहीं होता। इट इज ए केमिकल जिसको तोड़ने वाला कोई एंजाइम आज तक नहीं मिला है। तो एंजाइम वर्ड तू यहाँ से कंफ्यूज कर लिया, तो समझ के नहीं पड़ा इसका मतलब। ठीक है, ध्यान से पढ़ना इसे। इट इज ए केमिकल जिसको डिस्ट्रॉय करने वाला आज तक हमें एंजाइम मिला नहीं है। तो ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन के होता है, दैट इज एक्साइन। क्योंकि पोलन ग्रेन की दो लेयर होती है, एक होती है इंटाइन और एक होती है एक्साइन। ये वहां होता है। वो कौन सी पोजीशन है, वो कौन सा पॉइंट है जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है इन द केस ऑफ एक्साइन? रेज योर हैंड। रुशिल मैम, जर्म पोर। जर्म पोर, जहां से पानी अंदर आएगा और ये सारे सेल आगे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा, राइट? तो जर्म पोर में स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पर हमने पढ़ा था पोलन ग्रेन की वायबिलिटी के बारे में पढ़ा था। ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, इसलिए एक बार याद दिला रही हूँ। देखो हम कभी कभार भूल जाते हैं थ्योरी, तो इम्पोर्टेंट चीज उसमें से निकाल लेती है। जब हमने पढ़ा था तो हमें याद है कि हमने पढ़ा था सीरियल्स लाइक राइस वीट पोलन ग्रेन वायबल, मतलब जिंदा रहते हैं 30 मिनट्स तक आफ्टर देयर रिलीज फ्रॉम द एंथर। और जो मेंबर होते हैं रोजेसी, लिग्यूमिनेसी और सोलेनेसी। रोजेसी मतलब रोज फैमिली, लेग्यूम मतलब दाल की फैमिली, और सोलेनेसी मतलब आलू की फैमिली। तो कॉमन चीजें हमारे घर में मिलती है ना, दाल भी मिल जाते हैं, आलू भी मिल जाते हैं, और रोजेस के तकरीबन घरों में लगा ही होता है। इनकी वायबिलिटी ज्यादा मंथ तक रहती है। इसी के साथ मुझे याद आएगा कि ह्यूमन के केस में जो स्पर्म होता है वो कब तक वायबल होता है रिलीज के बाद? कब तक वायबल रह सकता है रिलीज के बाद स्पर्म? 30 मिनट्स तक। 30 मिनट्स तक? बावले हो गए तुम लोग। 24 आवर्स 14 डेज 2 डेज 2 डेज एग, फीमेल एग 24 आवर्स 24 आवर्स। यस, समझ आई बात? तो अगर ये नहीं हुई है, सेक्स हो गया है, तो उसके बाद भी नेक्स्ट ओवुलेशन हो तब भी प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। ठीक है जी, 20 30 मिनट 30 मिनट में प्रेग्नेंट हो जाएगी। बावले हो गए तुम है मैम, पोलन ग्रेन लगा मुझे। अच्छा, सुनती नहीं हो तुम? यो मैम कह रही हो, यो मैं पढ़ती हूँ। नहीं सुनती नहीं हो, ये बोला मैंने, पढ़ती तो है तू, रिवाज से पता चलता पढ़ती है। आइए जी, ओहो इनसे क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन निकालते हैं ये, इससे पाप लगेगा इन लोगों को। ये कौन सा प्लांट है, किस प्लांट का वाटर फीमेल? हिबिस्कस। हिबिस्कस, मैंने तुम्हें होमवर्क में करवाया था। हिबिस्कस नहीं, हिबिस्कस देयर आर टू। ये वाला पेपर, पेपर राइट। तो ये आपसे पूछ लेते हैं मल्टी कैपिलरी एपोकार्पस, वो ये नहीं सोचते तुमने 11th में पढ़ा या नहीं, वो यहाँ पूछ लेंगे तुमसे। थ्योरी निकलती है इन क्वेश्चन से, सो बी वेरी केयरफुल। अब मुझे एक बात बताओ कि ये चलाएजल, अच्छा ये वाला तो क्वेश्चन मैं तुम्हें पहले भी एक बार करा चुकी हूँ। आई वुड लाइक टू गो ओवर हियर। देखो हर बार पोलाइडी पूछते हैं, मैं तुमसे फिर पूछ रही हूँ, रेज योर हैंड जो मुझे पोलाइडी बताएगा। कृपा करके हाथ खड़ा करे। लिनिका आवाज आ रही है? लिनिका आवाज आ रही है? बेटा दोबारा हाथ खड़े करना मेरे को ना, हिट नहीं हो रहा बटन। तान्या बेटा एंटीपोडल है, पोलाइडी क्या है, एन या टू एन? एन। पोलर न्यूक्लियर पोलाइडी टू एन। देखो न्यूक्लियर अलग है ना, तो दो पोलर न्यूक्लियर, देख दो न्यूक्लियस लिखे हैं ना, तो एक एक की पोलैरिटी पूछ रही हूँ। एनएन एनएन फ्यूज होके कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे? यार तुम लोग ये कैसे भूल जाते हो? चुप बेटा, पोलर न्यूक्लियर ध्यान से सुनो इसे,
न्यूक्लियर का मतलब है डबल है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस को न्यूक्लियर बोलते हैं। न्यूक्लियस के आगे ऑलरेडी एस लगा, और कितने एस लगाओगे। पॉली न्यूक्लियर का मतलब है दो न्यूक्लियस की बात हो रही है, और जिसमें हर दोनों न्यूक्लियस के इंडिविजुअल कोलाइडी एन और एन है। जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या बुलाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस इज 2n। फिर उसमें जब फ्यूजन हो जाती है सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट तो हम उसको बुलाते हैं पेन, पेन दैट इज 3e, पेन। ठीक है, इसको लिख लो, इसको लिख लो हाथों पैरों में। तुम ऐसे भूलते रहते हो, बड़े पागल हो। इतनी बात तो बता दिया मैंने, चिट्ठी डालो तुम्हें बेटे। नो मैम। देखो ये जो है अपना एम्ब्रोसेक, ये बुलाता है पोलन ट्यूब को अपनी तरफ। बुलाता कौन है पोलन ट्यूब को अपनी तरफ, केमिकल सिग्नल कौन भेज रहा है? फिलिफॉर्म अपैरेटस। किसने बोला ये? मैम आंचल। मैम हमें लगा आप पूछ रहे हो। पूछो। मैं आपने नाम ही नहीं बोला किसी को। ओ आंचल, हाउ डेयर यू। सॉरी मैम, मैं तुझे आइसक्रीम देने वाली थी, मैं दे नहीं पाऊंगी। अच्छा सुन, ये साइड से टॉफी खा ले। ठीक है दिग्गी। नो मैम। तो फिलिफॉर्म अपैरेटस होता है जो केमिकल सिक्रीट करता है और बुलाता है अपनी तरफ पोलन ट्यूब को, कहता क्या है आजा पोलन ट्यूब। ठीक है, वो गाना कौन सा था, तू आई 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 आई, सुना? यो यो मैम। ये मैम फ्लोइडी क्या होती है सिनर्जिस की, मेरे को बता रही थी तान्या। यस मैम। फ्लोइडी सिनर्जिस की मैम। एग की मैम। सही बोल रही है। ठीक है, तो सबकी एन ही है, किसी को 2n मत कर देना ऐसे। ओके, जब तक फ्यूजन नहीं होती उनके अंदर, खुद से नहीं करने का। ये है ट्रिपल फ्यूजन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको स्कूल में ब्लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, मत बोल देना फिर कि पढ़ाया नहीं था स्कूल वाला। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। तो दो टर्म है जो कोई बिना पढ़े कभी नहीं जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन जिसमें एक फर्ट, क्या होती है डबल फर्टिलाइजेशन, रेज योर हैंड। राज, राज मैम, एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज करता है और एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ। हाँ, एग सेल पोलर न्यूक्लियर के साथ नहीं करता, एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ करता है ना? यो यो मैम। देख राज, पोलर न्यूक्लियर मतलब दो न्यूक्लियस है ना, अगर मेल गैमेट आएगा तो किससे फ्यूज करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसके पास आने से पहले पोलर न्यूक्लियर फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये है डबल फर्टिलाइजेशन। अब मुझे बताओ ट्रिपल फ्यूजन कौन बताएगा? प्रीति, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है इसमें? शीतल तुम बताओ। मैम ट्रिपल फ्यूजन मतलब जब वो मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। हाँ, मेल गैमेट, माला क्यों लिख दिया मैंने, मेल गैमेट फ्यूज करता है विद सेकेंडरी न्यूक्लियस, है ना? और पोलाइडी कितनी हो जाएगी इसके बाद? 3n। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, ये लो तुम आइसक्रीम खाओ। ठीक है, यो यो मैम। मैं चेरी लगा दिए, खुश हो गए। चलो आगे चलते हैं, पॉलिनेशन। हो बेटा, रेज योर हैंड। पायल। यस मैम। एनिमल लेकर आ रहा है पोलन ग्रेन, किस टाइप की पॉलिनेशन है ये? मैम एंटोमोफोली। एनिमल के लिए, स्पेसिफिक एनिमल के लिए। तमन्ना, चलो शुरू तुम बताओ जरा, तुमने तो ये क्लास लगाई नहीं है। हाँ, जूफिली, तमन्ना ने बता दिया है ना।
जूफिली होता है बेटा, जू एनिमल से याद करना था, हमारी क्लास जूफिली है ना, सारे एनिमल ही है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस। तो जू के लिए यो यो मैम, पॉलिनेशन बाय एनिमल, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट को क्या बोलते हैं शुरू? एंटोमोफिली। एंटोमोफिली राइट, यस इंसेक्ट्स हो गया राइट, बहुत बढ़िया। और बर्ड्स, ऑर्निथोफिली इतना आता नहीं है ना, मैं तुमको रिवाइज वो कराने जाता हूँ तो ज्यादा आता है। अरे अरे वो क्या था, एक क्लैस्मोगैमस होता है, क्लिस्टो, ओए चुप कर, क्वेश्चन मैं डिसाइड करूंगी, तू डिसाइड करेगा है, जल्दी बता मुझे कि वो क्या था जिसमें एक फ्लावर बंद होता है एक फ्लावर खुला होता है, क्या टर्म थे उसके, कौन हाथ बताएगा मुझे? पूछा मैंने तुमसे, कुछ भी पूछती हूँ नहीं, मैं बोलने लग जाते। स्वाति तुम बताओ, तुम समझदार लगती हो। एम चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस, कौन क्या कुछ भी क्वेश्चन तो सुनिए। अरे क्वेश्चन बदल दिया मैंने, मैम क्लिस्टोगैमस क्वेश्चन तो पूछने थे किसका क्लिस्टोगैमस मुझे उनका नाम बता प्लांट का जिसमें चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस दोनों फ्लावर मिलते हैं, कैसे याद किया था? अभी तुम बताओ। जेलिस मैम। कैसे याद किया था, जैसे याद किया था वो बताओ, तीनों नाम हमने कोविड कोविड से याद किया था ना, हमने कोविड का आईडी खा गए थे, हमें आईडी चाहिए नहीं कोविड का, तो सीओ सीओवी से हमने याद किया था कि सी स्टैंड फॉर कोमेलिना, ओ स्टैंड फॉर ऑटोगैमी होती है, ऑटोगैमी रेजर है नेहा बेटा, अगर किसी में ऑटोगैमी होती है तो उसका प्रॉफिट क्या है? ऑटोगैमी का मतलब क्या नहीं है? हम जो सेम फ्लावर में और सेम प्लांट में फर्टिलाइजेशन होना, हाँ पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होगी, तो उसका प्रॉफिट क्या है कि वो बाहर वाले पे डिपेंडेंट नहीं है, एनवायरमेंट जितना भी खराब हो उसमें तो हो जाएगी राइट, और इसका लॉस क्या है, नुकसान क्या होता है? आउटब्रीडिंग नहीं होगी इसमें, आउटब्रीडिंग नहीं होगी तो जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आती, ये एक नुकसान होता है ना? यस मैम राइट गुड। अच्छा इसके बाद ये एनसीईआरटी पढ़ के जाना, इसकी डायग्राम ओके इसमें आते हैं। हाँ 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 रेज योर हैंड। जब सीड की डेवलपमेंट हो रही होती है, ये देखो मेरे को जान पूछना वहां पे आ नहीं रहा बेटे, जब सीड की डेवलपमेंट होती है, एक मोनोकोट होता है एक डाइकोट होता है, तो डाइकोट मोनोकोट के केस में जो उसका कॉटिलीडन होता है, कॉटिलीडन को किस नाम से बुलाया जाता है? रेज योर हैंड जगदीश। मैम स्कूटेलम। स्कूटेलम है ना, स्कूटेलम कितने होते हैं, एक या दो? मैम एक, एक होता है ना, तो लेटरल साइड पे होता है ना, तो लेटरल या टर्मिनल वर्ड भी आ सकता है इसके लिए, और जो डाइकोट होता है उसमें दोनों तरफ लेटरल साइड पे आपको कॉटिलीडन दिखते हैं राइट, क्लियर? यो यो मैम। तो मुझे बताओ वो अगर बिफोर पोस्ट का मतलब क्या होता है? पहले मैम आफ्टर, बेटा प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है Before. पहले क्लास के, ठीक है ड्यूरिंग क्लास तो क्लास का प्रोसेस आएगा, और पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर क्लास, है ना? तो पहले क्लास के मुझे कुछ नहीं आता था, फिर क्लास के टाइम पे मुझे चीजें ही, फिर आफ्टर क्लास मुझे फिर कुछ नहीं आता, मेरी जिंदगी होगी है ना। खबरदार किसने यो यो बोला इसको, तो बहुत पिटोगे। देख वो मार खाई, पढ़ लिया करो, लाइको ये स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है ठीक है, एक बार इसे कर लेना। अब मुझे बताओ, रेडिकल से रूट निकलता है तो रेडिकल की प्लॉइडी क्या है? 2n। और प्लूमूल की 2n है, क्योंकि ये बने हैं जायगोट से ना, जो फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म होता है। गुड गुड शाबाश, नहीं फंसे तुम मेरे जाल में। व्हाट इज द डिफरेंस? अच्छा जब दो क्वेश्चन और पूछूंगी, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जा रही हूँ मैं, है ना?
मैं यही पूछ लेती हूँ, अगर एक सीड है, सीड नहीं है, अगर एक एम्ब्रियो सैक है उसमें फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो एग होता है फ्यूज होने के बाद जायगोट हो गया, जायगोट बनाता है पूरा प्लांट या हमें पता है एम्ब्रियो बनाएगा, तो सीड कौन बनाता है? बेटे जो एम्ब्रियो सैक ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना सारा, इसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं, जस्ट इन केस इसको नहीं पता तो मुझे बताओ सीड कौन बनाता है? राशि फ्रूट कौन बनाता है? सॉरी क्या वो, मैं थोड़ा सा उसका नाम भूल गई मैं। अच्छा अच्छा पूरा भूल गया। उर्वशी एंडोस्पर्म। अच्छा उर्वशी फ्रूट कौन बनाता है? ओवरी। ओवरी बनाती है बेटा। और जो सीड होता है उसका सीड कोट कौन बनाता है उर्वशी? बेटा इंटेग्यूमेंट्स बनाते हैं ना, इंटेग्यूमेंट्स बनाते हैं सीड कोट। ठीक है ठीक है चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पार्थिनोजेनेसिस पार्थिनोकार्पी का मुझे डिफरेंस बता दो, रेज योर हैंड। पार्थिनोजेनेसिस मैं बार बार पूछती हूँ, इसको कर लो अच्छे से। पार्थिनोकार्पी एंड एपोमिक्सिस, दीज आर द स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो पूछे ही जाते हैं कहीं ना कहीं। हाँ जी हर्ष बता बेटा कौन सा बताना? तीनों पार्थिनोजेनेसिस मींस ओनली वन गैमेट से जो न्यू इंडिविजुअल आता है। एग्जांपल ड्रोन्स बताया था आपने बीव्स में, और इसके अलावा भी बताए थे ना, याद कर लियो। तो हर बार यही एग्जांपल बताता मुझे, इससे आगे तुमने पढ़ा नहीं है, जाके देखियो। ठीक है ये मैम पार्थिनोकार्पी मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, फ्रूट बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन। और एपोमिक्सिस मतलब इसमें सीड की फॉर्मेशन होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। सही बोल रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन राइट। गुड गुड, ये था हमारा ह्यूमन सेक्स इन प्लांट्स राइट। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मुझे बताओ कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हार्ट कौन से मंथ में बनता है बच्चे के ड्यूरिंग जेस्टेशन? मैम फर्स्ट मंथ। बेटा हाथ खड़े करने का कल्चर भूल गई मैम, मुझे डाउट था। हाँ बोलो मैम, पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पी में कोई डिफरेंस हो बता दो। हाँ बेटा पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पी दो अलग प्रोसेस है। पार्थिनोजेनेसिस एनिमल में होता है राइट। बेटा माइक बंद कर ले, समझ नहीं आ रहा है। तो पार्थिनोजेनेसिस किस में होता है बेटा? ये एनिमल्स में होता है। एनिमल ठीक है, इनमें क्या होगा जैसे इंसेक्ट्स हो गए कि सिर्फ एक गैमेट की मदद से पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे तो हम मेल और फीमेल के दो अलग गैमेट लेते हैं ना, पर यहाँ पे एक ही से बन रहा है। बेटा माइक बंद कर दे, तुम मुझे मेरी आवाज सुन रही है। ठीक है, तो पार्थिनोजेनेसिस में एक ही गैमेट से इंडिविजुअल पूरा इंडिविजुअल फॉर्म होता है, मेल और फीमेल के अलग गैमेट नहीं चाहिए। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है ड्रोन्स इन हनीबी। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस एनिमल के अंदर पड़ेगी। पार्थिनोकार्पी किसके अंदर पड़ेंगे? ठीक है, तो कार्पी कैसे याद रखेगा? कार्पी से ना, कार्पी को तो क्रॉप से याद रखियो। तो इसमें क्या होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? फ्रूट्स बन जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, तो जो प्लांट होता है ना उसके एम्ब्रियो सैक को भलेखा लगता है कि मेल का गैमेट आया है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे एम्ब्रियो सैक है ना, कुछ रीजंस होते हैं। एक रीजन ये भी होता है कि जो न्यूसेलस के सेल्स होते हैं ना वो अंदर की तरफ आ जाते हैं, तो उसको ऐसा लगता है मेल गैमेट आया है और वो आगे फ्रूट फॉर्मेशन में चले जाता है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो भलेखे से एम्ब्रियो सैक आगे फ्रूट फॉर्मेशन में जाता है, तो वो पार्थिनोकार्पी। ठीक है, तो जेनेसिस एनिमल वाला और कार्पी क्रॉप से प्लांट्स, याद रखना। ओके, इसका एग्जांपल मैंगो होगा मैम? इसका एग्जांपल मैंगो नहीं, पार्थिनोकार्पी मैंगो में कहाँ होती है? बनाना बनाना। हाँ ठीक है,
ओके क्लियर हो गया देखो। तो मुझे बताओ फिर इंसान के जब बेबी जेस्टेशन में होता है, जेस्टेशन मतलब जिस टाइम वो प्रेगनेंसी में है ना, तो जेस्टेशन में डिजिट्स कब बनती है, डिजिट्स एंड फिंगर्स। किससे हाँ किससे अच्छा किससे पूछा, सॉरी, बोलते राजकुमारी, राजकुमारी, हैं मैम? एंड ऑफ सेकंड मंथ। एंड ऑफ सेकंड मंथ, सही बोल रही है बच्चों, यस मैम। राइट, तो ये चार्ट रिवाइज करके जाना, ये आता रहता है, चार्ट रिवाइज करके जाना, ये आता रहता है। राइट, नेक्स्ट इज हाँ, मैं तुम थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस पूछती हूँ, ये तो तुम कर ही लोगे। ऐसा होता था ना, हम बनाते थे जब जायगॉट बना, अब उसमें क्लीवेज हो रही है, तो क्लीवेज के टाइम पे एक जगह पे गुच्छा बन जाता सेल का, इसे इनर सेल मास बोलते थे, और बाहर वाले लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कहते थे। तो किस लेयर से बेबी बनता है, इनर सेल मास या ट्रोफोब्लास्ट? इनर सेल मास, इनर सेल मास। हाँ, ट्रोफोब्लास्ट से बेबी की फॉर्मेशन नहीं होती, राइट? गुड, ठीक इनर ओके। ऊपर को चलते हैं थोड़ा सा, और ह्यूमन में वो कहाँ गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अच्छा, ये चार तुम्हारे सामने, और मुझे बताओ अगर प्रोडक्शन ऑफ एलएच, अच्छा किसी की बॉडी में एलएच बन रहा है और मैं उसको ऐसे इंजेक्शन दे दूं कि एलएच फॉर्मेशन सिंथेसाइज होना बंद हो जाए, तो अगर उसकी बॉडी में एलएच फॉर्मेशन नहीं हो रही है, कौन सा प्रोसेस इफेक्ट होगा इन द केस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? रेज योर हैंड। रिया, मैम ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि एलएच सर्च में ओव्यूलेशन होता है, राइट? तो बेटा इसकी हार्मोन करके जाना, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो रेज योर हैंड जो मुझे ये बताएगा कि जो मुझे बताएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फर्क क्या है। शीतल राव, शीतल, यो मैम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फर्क क्या है? प्रक्षित तुम बताओगे? प्राइमरी रुक जा बेटा, तेरा समय नहीं आया, प्रक्षित की टर्न है। प्रक्षित, स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड और सेकेंडरी हैप्लॉयड, ऐसा क्यों? इसमें मायोटिक डिवीजन हाँ होती है सेकेंडरी। हाँ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद ये, गुड गुड, शाबाश शाबाश, गुड गुड। प्राइमरी ऊसाइट और सेकेंडरी ऊसाइट में क्या फर्क है? दीक्षित, इसमें भी डिप्लॉयड और अप्लॉयड। हाँ है ना, इस चीज का ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अच्छा चलो, इससे पहले, अरे अरे अरे, ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की जो अरेंजमेंट होती है स्पर्म के अंदर, उस अरेंजमेंट को हम क्या बुलाते हैं? किससे नीता, किससे नीता, अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन न्यूक्लियर स्पर्म इज नोन एज। रुशिल तुम बताओगी? निबरकन। निबर्कन, ये नोट्स में लिखा है, जिसको नहीं देखा था ना एक बार देख लेना। यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ पे होता है रुशिल? हेड में होता है, टेल में होता है, नेक में होता है? हेड में होता है। हेड में होता है ना। एक्रोसोम ऊपर होता है, न्यूक्लियस उसके नीचे होता है, फिर नेक होती है, उसके बाद आपका मिडल पीस होता है, नेक में आपके सेंट्रियोल्स होते हैं, और सेंट्रियोल से ही आपका फ्लैजिला की फॉर्मेशन होती है। दिस इज अ फ्लैजिला, राइट? वेरी गुड। अब मेरे को जाने से पहले एक और मुझे गिफ्ट वाला पार्ट पूछ के जाना तुमसे, टेक्निक्स के बिना मजा नहीं आएगा। देखो, एक होता है जिफ्ट, एक होता है गिफ्ट, एक होता है ICSI, क्योंकि सबसे कॉमन ही है इसलिए बोल रही हूँ। आ कोई भी सकता है फुल फॉर्म IUP। रेज योर हैंड तो मुझे फटाफट इसका फर्क बता सकता है कॉन्फिडेंटली, ये बता सकती है। अरे अरे, कॉन्फिडेंस के नाम पे हाथ नीचे हो गए। चलो भाई, इसी बात पे आती है हमारी राजकुमारी, बताओगे? जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर तो जाइगोट हमने बॉडी के बाहर बनाया है कि अंदर? मैम बाहर। हाँ, आउटसाइड बॉडी। गिफ्ट मैम गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। किसमें होता है, मेल या फीम? ये जो गैमेट अंदर डाला, ये एग होता है या स्पर्म? मैम एग।
एग, हाँ शाबाश। आईसीएसआई स्टैंड फॉर इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। कब दूंगी मैं, किसमें दिक्कत होगी, मेल फीमेल? मैम मेल। लेबोरेटरी में डायरेक्टली इंजेक्शन देंगे। और आईयूटी स्टैंड फॉर इंट्रा यूट्रेन ट्रांसफर। शाबाश। अब मुझे बता कि एमनियोसेंटेसिस में, हर्ष, एमनियोसेंटेसिस के लिए सैंपल लेना है, तो मैं वो सैंपल कब लूं, जब फीमेल प्रेग्नेंट है, डिलीवरी हो चुकी है या लैक्टेशन पीरियड चल रहा है? फर्स्ट ऑप्शन, जब फीमेल प्रेग्नेंट है, राइट। एमनियोसेंटेसिस का सैंपल हम लोग तब लेते हैं। एमनियोसेंटेसिस से हर्ष पता क्या चलता है? क्रोमोसोमल जो क्या बोलते हैं, डिजीज टाइप होती है। हाँ, डिसऑर्डर्स पता चल सकते हैं बच्चे के एडवांस में, और उसका जेंडर पता चल सकता है ना, दो चीजें पता चल सकती है, करेक्ट? तान्या, एमटीपी स्टैंड फॉर मैम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो कौन से मंथ में ये सेफ होती है? मैम थर्ड मंथ। थर्ड मंथ में सेफ होती है। मनीषा सही बोल रही है? यस मैम। अच्छा राशि, ये भी सही बोल रही है? नो मैम, फर्स्ट मंथ या फोर वीक। अच्छा हर्ष, ये सारे सही बोल रहे हैं? नो मैम, प्रॉपर नहीं बोल रहे, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं। हाँ, सात्विक ने बोला नहीं? मैम मैं नहीं बोला। तू नहीं बोला हर्ष, आवाज नहीं सुनी? मैं एक हाँ बोला। हाँ मैं बोलू सात्विक बोला फाइनली, पर सात्विक नहीं बोला करता, मैं मौन व्रत में रहता हूँ जब भी मेरे से वाइवा होता है ना। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ रहती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले थ्री मंथ ना, तो ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं मन से कि हमें लगता है पहले मंथ में हो जानी चाहिए, पहले तीन मंथ तक उसको सेफ कंसीडर किया जाता है, राइट। ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा हमने जो आपने वो टेक्निक्स करी है ना, पॉपर्टी एंड ये, अच्छा लैक्टेशनल एमिनिया क्या होता है? नेहा मैम, जब लैक्टेशनल पीरियड होता है उस टाइम पे जो सेफ होता है इंटरकोर्स, तब तक सेक्स करना सेफ होता है विदाउट प्रिकॉशन 6 months तक, पर कोई गारंटी नहीं है उसकी। राशि, यस मैम, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस का क्या मतलब है? शीतल मैम पता नहीं। ओके और कोई? रुशिल मैम, couple should basically avoid coitus from 10 to 17 days of menstrual cycle as it is highly fertile period. हाँ, around 14th day पे हमारा ovulation होता है ना, तो उसके आसपास के period में हमें नहीं करना, couples को avoid करना चाहिए sex, क्योंकि ovulation नहीं होगा तो fertilization नहीं हो पाएगी, right? करें। मनीषा, copper tea में जो copper ions होते हैं उनका काम क्या होता है? इनहैबिटेबल कर देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, राइट। ये जो मेंडल के फीचर्स थे, ये जो उन्होंने करेक्टर स्टडी करे थे, ये सारे जो करेक्टर स्पर्म मोटिलिटी रेट को डिक्रीज नहीं करते हो तो? दोबारा बोल बेटा। स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस नहीं करते हो तो? कॉपर की बात कर रहा है ना, कॉपर क्या करता है, एक तो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस भी करते हैं, फेगोसाइटोसिस भी तो करते हैं। आपने यूट्रस वाला बोला ना फिर? सॉरी क्या बोला मैंने, दोबारा बोल। यूट्रस को मतलब इनकेपेबल कर लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो स्पर्म के ऊपर एक्ट करते हैं, कॉपर यूट्रस के साथ नहीं छेड़ते, वो स्पर्म के ऊपर एक्ट करते हैं, सॉरी अगर मैंने बोला तो। स्पर्म की मोटिलिटी को रोकते हैं और स्पर्म की फेगोसाइटोसिस भी करते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन दो बार गलत हो गया। मैंने दो बार गलत बोला? मैम दो बार गलत हो गया टेस्ट में। अच्छा वो पहले से गलती वो टेस्ट में आ रही थी ना, तेरी गलती तो नहीं थी है ना? यस, उसने रॉन्ग, हमने सही आंसर किया था बट वो रॉन्ग बता रहे थे। हाँ मैंने उनको बोल दिया था, होता है कभी कभार, ठीक है। ऑलराइट ऑलराइट, चलो जी, इससे ज्यादा तो नहीं हो पाया पर कुछ तो रिवाइज कर लिया हम लोगों ने, है ना? कोई टॉपिक किसी का रहता था?
मुझे यार एक बच्ची ने, किसी ने पूछा था, मैंने आते ही क्लास में पूछा था, बाकी लोग जा सकते, किसी बच्ची का डाउट था, प्लियोट्रॉफी पूछा था शायद किसी ने। यस मैम। यस मैम। हो गया तेरा डाउट क्लियर? नो मैम। अरे सॉरी, बाकी बच्चे जा सकते हैं। थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम। नहीं डाउट है, प्लियोट्रॉफी में जा सकते। गुड नाइट।